हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं हूं रंजना, और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लाइफ स्टाइल बाय रंजना में। तो वैसे तो जो मैं आपको सोप बताने वाली हूं बहुत अच्छा है, और इसको यूज़ करने में ना आप जब एक दो दिन इसे यूज़ करेंगे तो ही आपको इसका असर दिख जाएगा। और आप ये सोप देख भी चुके होंगे बहुत सी बार, लेकिन मैंने ये बनाया है और उसका एक्सपीरियंस लिया है कि ये कैसा है, कैसे यूज़ करते हैं, कैसे काम करता है ये हमारी बॉडी पर। तो उसका रिव्यूज़ मैं आपके साथ पूरा शेयर करूँगी, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि इसका बेनिफिट आप लोगों तक भी पहुँचे। तो बहुत ही सिंपल है, ईजी प्रोसेस है। और इसके लिए हमने सबसे पहले ले लेनी है मसूर की दाल। और जैसे कि आप सबको पता है, मसूर की दाल ना हमारी स्किन को एकदम वाइट ब्राइट करने में बहुत हेल्प करती है। तो मसूर की दाल मैंने यहाँ पर पीस ली, उसको फिर छान लिया। और छानने के बाद ना मसूर की दाल के ढक्कन के अंदर जो रह गया था ना, वो उसको मैंने लिया, क्योंकि वो एकदम बारीक था इसलिए मैंने उसको लिया है। और यहाँ पर मैंने दो चम्मच के करीब ना मसूर की दाल का पाउडर लिया है, एकदम जो फाइन पाउडर था वो मैंने लिया है। और मैंने इसमें ऐड किया है 1 चम्मच के करीब ओट्स पाउडर। अगर आप ओट्स पाउडर नहीं ऐड करना चाहते तो आप इसमें राइस फ्लोर ऐड कर सकते हैं, बेसन ऐड कर सकते हैं, कुछ भी ऐड कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। लेकिन यहाँ पर मैंने जो है ओट्स यूज़ किया है, क्योंकि ओट्स ना स्किन टेनिंग हो जाती है ना बॉडी में, वो भी हटाने में हेल्प करता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ओट्स लिया है, और ओट्स हमारी स्किन को क्लीन करने में बहुत अच्छी हेल्प करता है, तो इसलिए मैंने इसमें ओट्स ऐड किया है। और मैंने यहाँ पर ऐड किया है 1 कॉफ़ी का पाउच, और 1 टर्मरिक हल्दी जो मेरे पास होती है टर्मरिक, वो मैंने यहाँ पर यूज़ की है कस्तूरी हल्दी। और इसमें मैंने ऐड किया है ग्लिसरीन। तो ग्लिसरीन हमारी स्किन को जब हम इसे यूज़ करेंगे ना तो मॉइस्चर देगा, ड्राइनेस बिल्कुल नहीं होगी, इसलिए मैंने यहाँ पर ग्लिसरीन इसमें यूज़ किया है। और मैंने इसमें यूज़ किए विटामिन ई के कैप्सूल। विटामिन ई के कैप्सूल मैंने करीब 3 से 4 कैप्सूल मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं। और विटामिन ई हमारी स्किन को ब्राइट करता है, हमारे चेहरे पे, हमारी बॉडी में जो भी ड्राइनेस होती है, जो भी ईचिंग होती है ना, उसको हटाने में हेल्प करता है, और बॉडी में थोड़ी शाइन वगैरह लाता है, इसलिए मैंने इसमें विटामिन ई के कैप्सूल भी ऐड किए हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड की है, और इसके बाद इनको मिक्स कर लेनी है। अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, मतलब सबको आपको अलग से ऐड करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो यहाँ पर मैंने ऐड किया है इसमें कोकोनट ऑयल। और कोकोनट ऑयल ना अभी जैसे कि विंटर सीज़न स्टार्ट हो गया, तो अभी थोड़ा सा ड्राइनेस होता है, तो उसकी वजह से मैंने यहाँ पर कोकोनट ऑयल भी इसमें यूज़ किया, जो जब हम अभी सोप हमारी बॉडी पर लगाएंगे तो ड्राइनेस नहीं होगी और मॉइस्चर देगा, क्योंकि हमने ग्लिसरीन, विटामिन ई, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड की है इसलिए। तो यहाँ पर मैंने कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर लिया इसके अंदर। अब आपको कोई सा भी साबुन ले लेना है, मैंने यहाँ पर पियर्स लिया है, आप चाहे तो डव ले सकते हैं या फिर सोप बेस भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर पियर्स साबुन ले लिया है, क्योंकि सोप बेस मेरे पास था नहीं और अभी मैंने मंगवाया नहीं, और पियर्स साबुन मेरे पास रखा हुआ था तो मैंने इसी को यूज़ कर लिया। तो सोप बेस भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट पियर्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ना, या तो आप इसको ग्रेटर से ग्रेट कर लीजिए, या फिर इस तरह से चाकू से बिल्कुल छोटे छोटे से टुकड़े कर लेंगे, ताकि जो क्या जल्दी से मेल्ट हो जाए, मेल्ट होने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना करे, इसलिए फिर आप इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में इसको कट कर सकते हैं ताकि वो मेल्ट हो जाए। तो यहाँ पर इस तरह से आपको जल्दी, मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया क्योंकि थोड़ा टाइम लग रहा था, इस वजह से इस तरह से देखिए कितनी इजीली, फर्स्ट में नहीं कट रहा था लेकिन जब पीसेस हो गए उसके बाद ये आराम से इजीली कट जाएगा। और इस तरह से पूरे इसको छोटे छोटे पीसेस में हमने कट कर लिए इस तरह से। अब हमको क्या करना है, इसको डबल बॉयलर प्रोसेस से मेल्ट करना है इसको। तो फिर मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली, और एक भगोनी, तपेली, जो भी बर्तन आपके पास है उसमें आप ये साबुन जो हमने यूज़ दिया है पियर्स साबुन, वो मैंने उसके अंदर डाल दिया, और इसको मेल्ट होने तक मैं इसके ऊपर रखूँगी। और जब ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा तब मैं इसमें और भी चीज़ें ऐड कर दूँगी। तो इसके अंदर जो अभी हमने
पाउडर बनाया है ना मसूर की दाल और उसका, वो इसमें हम ऐड करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर जब ये मेल्ट होने लग गया तो इसके अंदर मैं अभी जो मैंने मिक्सचर तैयार किया वो ऐड करूँगी। और ज़्यादा देर तक हमें नहीं करना, क्योंकि ज़्यादा देर तक अगर हम इसे इस तरह से मेल्ट रखेंगे तो ये जमने लग जाएगा। तो जैसे ही मेल्ट होता है आप इस तरह से अपना मिक्सचर इसमें डाल सकते हैं, और अगर नहीं तो आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, पाउडर भी डाल सकते हैं अगर इस तरह से। क्योंकि मैंने जब ये सारी चीज़ें मिक्स कर दी तो थोड़ा मुझे मिक्स करने में ज़्यादा टाइम लगा, तो आप अगर एक एक चीज़ इसमें डायरेक्ट भी डालेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है ताकि साबुन जो है उसी में जमने ना लग जाए तब तक, और अच्छे से इसको मिक्स करनी है। ये देखिए, और देख देखिए कलर देखिए कितना अच्छा लग रहा है इसका। इस तरह से मिक्स करने के बाद मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया था, और अच्छे से मिक्स करके, और ज़रूरी नहीं है कि सोप बेस में ही आप इसे यूज़ करें। मेरे पास सोप बेस नहीं था तो मेरे पास जो प्लास्टिक की डिब्बिया वगैरह होती है ना, मैंने उसी में यूज़ किया इसे। तो यहाँ पर हल्का सा ऑयल लगाना है आपको, और मैंने तो हल्का सा ऑयल लगाया, अगर नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, बट मैंने लगाया कि इजीली निकल जाए, तो हल्का सा मैंने ऑयल इसमें लगा लिया। और उसके अंदर जो हमने सौंफ तैयार किया वो इसके अंदर हम डाल देंगे इसको। और ये देखिए आप देख सकते हैं झाग वगैरह में कोई कमी नहीं है, अच्छे से झाग आ रहे हैं। जो मिक्सचर बच गया था उसी से मैंने हैंड वॉश किया है, और अच्छे से झाग आपको मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। और इसको मैंने करीबन 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ दिया था। आप चाहे तो फ्रिज में रख सकते हैं, मैंने फ्रिज में रख दिया था इसे, तो अच्छे से जम गया ये। और फ्रिज में इसे निकालने के बाद फिर मैं दिखा रही हूँ आपको, ये दूसरा दिन तो नहीं था, 4-5 घंटे के बाद मैंने इसे निकाला था। और इस तरह से निकालने के बाद ये आपको देखिए पूरा सोप का शेप आप जैसे चाहे मर्जी वैसे कर सकते हैं, और इस तरह से कोई दिक्कत नहीं है आपको। जब ये यूज़ करेंगे तो आपको 1-2 दिन में इसका फ़र्क नज़र आ जाएगा। मैं भी यही यूज़ कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये, क्योंकि पूरी बॉडी में जो भी मेल वगैरह होता है वो सब इजीली इससे निकल जाता है, और मॉइस्चर भी है, क्योंकि हमने इसमें ग्लिसरीन, विटामिन ई, ऑयल, बहुत सारी चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड की है, तो सारी चीज़ें हमें इसके अंदर मिल जाएगी। तो ड्राइनेस भी बिल्कुल नहीं होगी, और प्लस टेनिंग नहीं होगी, दाग धब्बे नहीं होंगे, और बहुत अच्छा है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा साबुन है, इसीलिए मैंने इसको बनाया था। कि मैंने देखा तो बहुत था कैसे लोग बना रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो हम भी बना के देखते हैं कि क्या होता है इसका रिज़ल्ट। तो रिज़ल्ट मुझे अच्छा लगा, अभी मैं ये ही साबुन यूज़ कर रही हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि इसमें कॉफ़ी भी है, हेल्दी भी है, तो बहुत अच्छा साबुन है। डेफ़िनेटली आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत ईजी प्रोसेस है, ज़्यादा आपको मेहनत भी नहीं लगेगी, और अच्छा साबुन आपका बनकर तैयार हो जाएगा। तो डेफ़िनेटली आप ट्राई कर सकते हैं, और दूसरे साबुन और भी मैं बना के आपके साथ शेयर करूँगी। पहले मैं बनाकर यूज़ करूँगी, फिर आपके साथ शेयर करूँगी। और साबुन बनने के बाद हम देख सकते हैं कि इसमें झाग है कि नहीं, तो वो मैं चेक कर रही हूँ यहाँ पर, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, झाग अच्छे से आ रहे हैं इसके अंदर। ये देखिए, और मतलब हाँ, एक बार में ही मुझे लगा कि हाँ हाथों का कलर में थोड़ा डिफरेंस आ गया, टेनिंग वगैरह रिमूव हो जाएगी इससे, और बहुत अच्छा लगा मुझे। तो डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं आप झाग इसमें कितने अच्छे से बन रहे हैं, तो आप भी ट्राई कीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और रिजल्ट आपके सामने है, ये देख सकते हैं आप, हाथ कितने साफ नज़र आ रहे हैं।